नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 7 फरवरी। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने निकाली रिक्तियां। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने हाल ही में मेडिकल ऑफिसर के 208 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास मेडिकल काउंसिल से MBBS और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 फरवरी 2021 तक स्टेट हेल्थ सोसाइटी की आधिकारिक वेबसाइट statehealthsocietybihar.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार में अब शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की शुरू हुई तैयारी। बिहार में शिक्षा व्यवस्था के हाल को सुधारने की कवायद शुरू होने वाली है, जिसको लेकर और खास करके शिक्षा का हाल सुधारने के लिए जिला स्तर पर रणनीति बनाई जाएगी, जिसके तहत बिहार के सभी जिलों के मूल्यांकन का काम शुरू होने वाला है। इतना ही नहीं, सरकार अब अप्रैल महीने में शैक्षणिक प्रदर्शन और शिक्षा में गुणात्मक सुधार के आधार पर सभी जिलों की ग्रेडिंग कराने की तैयारी में नजर आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब सरकारी स्कूल के आकलन का काम भी किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। इसको लेकर शिक्षा वाले के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने बिहार सरकार को परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स बनाने का आदेश दिया है। इसमें 84 बिंदुओं पर मार्किंग की जाएगी। नवादा के नारद संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। पूरे बिहार में पटना के बाद यह दूसरा बड़ा संग्रहालय के रूप में इंगित है, जो कि नवादा शहर के नवादा चौक के पास स्थित है। यह साल 1973 ईसा में नवादा के प्रथम जिला अधिकारी नरेंद्र पाल सिंह के प्रयासों से अस्तित्व में आया। इस संग्रहालय में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के ऐतिहासिक दुर्लभ प्रतिमाएं सुरक्षित रखी गई है। यहां भगवान बुद्ध की कई मुद्राओं वाली प्रतिमा से लेकर भगवान विष्णु, मंजूश्री, गणेश आदि की प्रतिमाएं हैं। पाल काल से लेकर आधुनिक काल की कई देवी देवताओं की प्रतिमा के यहां उस जमाने की कलाकृतियां भी रखी गई हैं। कौवा कोल के देवनगढ़ से लेकर हिसुआ के सोनसा, अपसढ़ पार्वती, रजौली से प्राप्त हुए कई प्रतिमाएं यहां पर रखी गई हैं। इसके साथ ही यहां कई प्राचीन हस्त पांडुलिपियां भी सुरक्षित रखी गई हैं। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की कहानी का किया गया मंचन। बीते दिन भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर के लिखे गए कहानी गबर घिचोर का खगोल के कलाकारों ने राजधानी पटना के गांधी मैदान के बाहर आर्ट थिएटर में 36वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव के दौरान आयोजित किए गए नाट्य महोत्सव के चौथे दिन इस कहानी को दर्शाया है, जहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी देखने को मिली थी। आपको बता दें कि भिखारी ठाकुर ने अपने इस नाटक में एक स्त्री के अधिकार न्याय पाने के लिए संघर्ष को दर्शाने का काम किया है। इसके साथ ही पुरुष प्रधान समाज को आईना दिखाने की भी कोशिश की गई है। इस नाटक में भी यही दर्शाया गया है कि कैसे एक महिला अपने बच्चों के लिए पुरुष समाज से अकेले लड़ जाती है। राशन कार्ड के लिए अब ऑनलाइन करें अप्लाई। बिहार में राशन कार्ड बनवाने का काम अब और ज्यादा आसान हो गया है। इस बाबत नीतीश सरकार ने इसे राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट के तहत जोड़ने का काम किया है। राज्य के सभी राइट टू सर्विस काउंटर पर अब राशन कार्ड के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। इसको लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव विनय कुमार ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम के तहत कभी भी योग्य व्यक्ति राशन कार्ड का आवेदन कर सकता है। खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से जून 2020 में करीब 23,50,000 कार्ड बनाए गए थे। जून के बाद से अब तक करीब 1,00,000 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। हालांकि अब राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है। 100% धान अधिप्राप्ति को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त ने की बैठक। धान अधिप्राप्ति के सफल और सुचारू संपादन के लिए प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक बुलाई थी। इस दौरान उन्होंने 21 फरवरी तक 100% किसानों से धान क्रय कराने को लेकर प्रमंडल के सभी DM एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसको लेकर उन्होंने सभी DM को लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल करने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रमंडल के सभी जिलों में धान अधिप्राप्ति में काफी तेजी आने की बात भी कही। पटना प्रमंडल अंतर्गत 15,15,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के सामने 9,71,744 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति हुई है। पटना यूनिवर्सिटी में अब छात्रों को दी जाएगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पूरब का ऑक्सफर्ड कहे जाने वाले पटना विश्वविद्यालय की अब तस्वीर बदलने वाली है। हाल ही में आयोजित सिंडिकेट की बैठक में इस बाबत 583.98 करोड़ का बजट भी पारित किया गया है। बजट में पटना विश्वविद्यालय के पुराने गौरवशाली गरिमा को पुनः वापस लाने के लिए शोध और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिए जाने की बात कही गई है। कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शोध पर विशेष ध्यान देने की चर्चा हुई है, जिसके बाद यह प्रयास किए जा रहे हैं कि विश्वविद्यालय में शोध पत्रिकाओं की गुणवत्ता में सुधार हो और इसके लिए अलग से बजट का भी प्रावधान किया गया है। विश्वविद्यालय में अधिक से अधिक शोध पत्र छपे और प्रतिष्ठित जर्नल में भी इस शोध पत्रों को जगह मिली है। आपको बता दें कि NAC के ग्रेडेशन के बाद से PU के शोध की गुणवत्ता सवाल उठाए जाने की शुरुआत हो गई थी।
शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किया फरमान। शिक्षा विभाग ने हाल ही में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को लेकर अपना फरमान जारी कर दिया है, जिसके तहत बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों और स्टाफ को घोषणा पत्र देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही उन्हें यह भी साफ करना होगा कि चयन प्रक्रिया में उनका कोई सगा संबंधी अभ्यर्थी नहीं है। शिक्षा विभाग ने साल 2018 के लोकायुक्त के आदेश के अनुपालन में यह आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया है कि नियोजन प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी अध्यक्ष सदस्य और व्यक्ति को इस आशय का घोषणा पत्र उपलब्ध कराना होगा कि चयन प्रक्रिया में उनका अपना कोई स्वजन अभ्यर्थी मौजूद नहीं है। सोमवार से खुलने वाले स्कूल को लेकर जारी की गई एडवाइजरी। कोरोना के कारण बंद पड़ी छठी से लेकर आठवीं तक की कक्षाओं का संचालन कल यानी कि सोमवार से होने वाला है, इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही गाइडलाइन का पालन करते हुए 8 फरवरी से शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। इस बाबत विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सभी डीएम और डीईओ को नियमों का पालन कराने के लिए पत्र जारी किया था। छात्रों और उनके परिजनों को स्वास्थ्य संबंधी स्थिति और विदेश या दूसरे राज्य से यात्रा से संबंधित घोषणा पत्र देना होगा। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन की यात्रा संबंधी जानकारी भी मुहैया करवानी होगी। इसके साथ ही कल से खुलने वाले स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति आधी ही रहेगी। स्नातक पास अभ्यर्थियों को जल्द ही दी जाएगी 25,000 रुपए की राशि। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए शिक्षा विभाग ने 40 करोड़ के सहायक अनुदान की स्वीकृति देने का आदेश जारी किया है। इस राशि से स्नातक उत्तीर्ण 16,000 छात्राओं को 25,000 की राशि जल्द ही दी जाएगी। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि साल 2020-21 के लिए स्नातक उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं की प्रोत्साहन योजना के लिए बजट में 200 करोड़ का उपबंध उपलब्ध है, जिसमें से पहली किश्त के रूप में 26 करोड़ की प्रथम किश्त दी जा चुकी है। अब 40 करोड़ विमुक्त किए जाने हैं। बिहार में 10वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी। बिहार में 10वीं पास युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है, जिसके तहत अभ्यर्थियों के लिए 1.14 लाख रोजगार के अवसर जारी किए गए हैं, जिसके तहत 10वीं पास युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए की राशि भी दी जाएगी। पंचायती राज विभाग की योजना के तहत अब हर घर नल जल योजना के संचालन करने वाले अनुरक्षक को यह सुनहरा मौका मिलने वाला है। पंचायती राज विभाग की बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद योजना के क्रियान्वयन के लिए पंचायत के वार्ड स्तर तक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार अब हर महीने राज्य के 1,14,691 वार्डों में चयनित अनुरक्षक को 2,000 रुपए मानदेय दिए जाएंगे और घर घर से वसूली गई राशि में से 3,000 रुपए मिलेंगे। मैट्रिक परीक्षा 2022 के रजिस्ट्रेशन के लिए मिला एक और मौका। बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा 2022 के रजिस्ट्रेशन के लिए एक और मौका जारी कर दिया है, जिसके तहत 9वीं कक्षा के छात्र अब 12 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन का काम करवा सकते हैं। इसको लेकर ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है, वो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म secondary.biharboardonline.com पर जाकर भर सकते हैं। बिहार बोर्ड ने 9वीं की वार्षिक परीक्षा के आयोजन के संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि 9वीं की परीक्षा 26 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च तक संचालित होने वाली है। बिहार में अब चंपारण मीट को मिलेगी इंटरनेशनल पहचान। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने अब बिहार के मधुबनी पेंटिंग और मखाना की तरह ही चंपारण के मीट को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बाबत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश्वर सिंह ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि यूनिवर्सिटी में पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिक विभाग और राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छ मांस उत्पादन एवं प्रसंस्करण तकनीक के दिवसीय ट्रेनिंग में इस बात की जानकारी दे दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के चंपारण में मीट की GI टैगिंग भी विश्वविद्यालय की तरफ से करवाई जाएगी, इस बात की जानकारी भी दी है। बिहार में 14 जेल सुपरिटेंडेंट का हुआ तबादला। बिहार के 14 जेल सुपरिटेंडेंट का तबादला कर दिया गया है। बिहार के विभिन्न जिलों में स्थित जेलों में अब इनकी तैनाती कर दी गई है। गृह विभाग की तरफ से तबादले की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसमें सुजीत कुमार झा, लाल बाबू सिंह, ओम प्रकाश, शांति भूषण, अमर शक्ति, दीपक कुमार, सुजीत कुमार राय, विकास केशव, आशीष रंजन, तारिक अनवर, देवाशीष कुमार सिन्हा, सुश्री शालिनी, मोहम्मद अजरुद्दीन, धीरज कुमार और श्रीमती बबीता का नाम शामिल है। किसानों के चक्का जाम का बिहार में दिखा मिला जुला असर। बिहार में किसानों के चक्का जाम का मिला जुला असर देखने को मिला है, जिसके तहत राजधानी पटना में बात करें तो NH पर मिला जुला असर देखने को मिला। किसानों के चक्का जाम को महागठबंधन का समर्थन मिला था। इतना ही नहीं, बिहार में कई जगहों पर सड़क जाम भी देखने को मिला। बिहार में भी महागठबंधन के तमाम दल प्रदेश में कई जगहों पर उतरकर सड़क जाम करते देखे गए। हालांकि जहां एक तरफ यह चक्का जाम देश भर में 3 घंटे का देखने को मिला, वहीं बिहार में यह जाम 1 घंटे का ही देखने को मिला। मिली जानकारी
जानकारी के अनुसार इंटरमीडिएट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए महागठबंधन के दलों ने बिहार में सिर्फ एक घंटे तक ही चक्का जाम करने का फैसला लिया था, जिससे परीक्षार्थी और अभिभावकों को कोई दिक्कत न हो। रुपेश सिंह की पत्नी को मिली बॉडीगार्ड की सिक्योरिटी। बिहार में चर्चित हाई प्रोफाइल रुपेश सिंह मामले में अब पुलिस ने परिवार वालों को सुरक्षा प्रदान करने की पहल की है, जिसके तहत परिवार से मिलने पहुंचे एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने मुलाकात के बाद यह आदेश सुनाया है कि उनकी पत्नी नीतू सिंह को एक अंगरक्षक मुहैया करवा दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मामले में कथित तौर पर मुख्य आरोपी ऋतुराज के पकड़े जाने की जानकारी देने पर रुपेश के परिवार वालों से वो मिलने पहुंचे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनके परिवार वालों को सीसीटीवी फुटेज की जानकारी दे दी गई है, जिसमें इस बात की पुष्टि होती है कि रोड रेस के मामले में ही ऋतुराज ने यह कदम उठाया था। पंचायत मुख्यालय के पुनर्गठन का आदेश हुआ जारी। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का संकल्प बिहार में पंचायती राज विभाग ने जारी कर दिया है। इसके साथ ही जिलों को इसकी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश भी जारी किया गया है। इसके साथ ही पुनर्गठन को लेकर एक्ट के अनुसार किन बातों को ध्यान में रखना है, किन को नहीं, इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार उन ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किए जाने पर जोर दिया जा रहा है जिन ग्राम पंचायतों का कुछ हिस्सा चला गया है। इतना ही नहीं, यह भी साफ कर दिया गया है कि ग्राम पंचायतों का मुख्यालय वहां होगा जिस गांव की जनसंख्या सबसे अधिक देखी जाए। इसके साथ ही विभाग ने यह भी साफ किया है कि किसी गांव को विभक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसमें दो या दो से अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करना आवश्यक ना हो। पटना एयरपोर्ट पर जल्द ही लगाया जाएगा नया नेविगेशन और लैंडिंग सिस्टम। पटना एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अहम सूचना। जल्द ही यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पटना एयरपोर्ट पर नया नेविगेशन और लैंडिंग सिस्टम लगाने की तैयारी हो रही है, जिसकी मदद से छोड़े जाने वाले नेविगेशनल सिग्नल पायलट को 600 मीटर से दूर ही एयरपोर्ट का रास्ता साफ दिखाई देने लगेगा। इतना ही नहीं, इस नए नेविगेशन और लैंडिंग सिस्टम के लग जाने से पायलट की लैंडिंग में भी काफी ये सहायक साबित होने वाला है, जिस पर कुल मिलाकर 9.72 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान लगाया गया है। इसको लेकर राज्य सरकार ने एयरपोर्ट की चार दीवारी के दक्षिण में स्थित 16.5 एकड़ जमीन में निर्माण कार्य की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही इस जगह को डोपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज लगाने और आइसोलेशन बे के निर्माण के लिए चिन्हित किया गया है। चार सड़कों के लिए जमीन अधिग्रहण का काम होगा अगले महीने। मार्च तक पटना जिला से जुड़ी चार मुख्य सड़कों में जमीन अधिग्रहण की समस्या के लंबित पड़े कामों का निपटारा किया जाना है। इनके समाधान के लिए मार्च महीने तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, भूमि अधिग्रहण होने के बाद राजधानी पटना कोइलवर बख्तियारपुर मोकामा NH 31 NH 30A फतुहा हरनौत बाढ़ और पटना गया डोभी सड़क निर्माण में गति आएगी। सभी सड़क परियोजनाओं के कामकाज की मॉनिटरिंग पटना हाईकोर्ट कर रहा है। खबरों की माने तो दानापुर भेटा फोरलेन एलिवेटेड कॉरिडोर में भी जमीन अधिग्रहण का पेंच फंसा है। इसके समाधान के लिए 15 मार्च तक की समय सीमा दी गई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अदर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। चलती ट्रेन से 1915 में पहली बार भेजा गया वायरलेस संदेश रेलवे स्टेशन को आज ही के दिन प्राप्त हुआ था। 1983 में कोलकाता में ईस्टर्न न्यूज एजेंसी की स्थापना। महाराष्ट्र के राज्यपाल SC जमीर ने 2009 में स्वतंत्र भारत की 12वीं तथा पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को D.Litt की उपाधि से नवाजा गया था। इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई अम्बेडकर का जन्म सन 1898 में आज के दिन हुआ था। भारतीय अभिनेत्री अंकिता शर्मा का 7 फरवरी साल 1987 में जन्म आज के दिन हुआ था। 1942 में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल ने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 डॉक्टरों की होगी संविदा पर नियुक्ति। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर की कमी को दूर करने के लिए संविदा पर 1000 डॉक्टरों की नियुक्ति करने वाली है। इन पदों पर राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों से पास आउट MBBS डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। उन्हें हर महीने 65,000 का मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही प्रशासनिक पद वर्ग समिति ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज से पास होने वाले MBBS डॉक्टर के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। इसमें आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासनिक पद वर्ग समिति संविदा पर लैब तकनीशियन के 452 पदों पर नियुक्ति पर भी विचार किया जा रहा है। बिहार के कई जिलों में बिजली और बारिश की भी संभावनाएं। बिहार में धूप निकलने के कारण जहां एक तरफ लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी, वहीं अब बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में फिलहाल तापमान में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलने वाला है, जिसके बाद अगले 2 दिनों तक रात के तापमान में आंशिक वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। इतना ही नहीं, मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी साफ किया है कि आने वाले दिनों में बिहार के कई जिलों में बिजली और बारिश की भी प्रबल संभावनाएं हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पास पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जो धीरे धीरे कमजोर होता नजर आ रहा है, जिसका प्रभाव से ही बिहार के तापमान में कोई खास परिवर्तन देखने को मिलने वाला नहीं है।
चिराग पासवान ने हर बिहारी को बीमा करवाने की दी नसीहत। चिराग पासवान भले ही वर्तमान समय में केंद्र में एनडीए का हिस्सा है, मगर बिहार में एनडीए में शामिल जदयू पार्टी पर निशाना साधने में नहीं चूकते हैं। इसी क्रम में बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिहार में लोगों की जान ले ली जा रही है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हर बिहारी को अपना जीवन बीमा जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी ही नहीं है कि कब किसके साथ क्या हो जाए। चिराग पासवान इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने बैठक में शामिल नहीं होने पर भी अपना बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें एनडीए की बैठक में बुलाया गया था, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो बैठक का हिस्सा नहीं बन पाए थे। जो रूट ने जड़ा दोहरा शतक। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। हालांकि अब तक खेले गए इस मैच में अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक जो रूट ने जड़ दिया है। इससे पहले कोई भी बल्लेबाज इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाया था। रूट टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अपना 100वां मैच खेलते हुए दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ ही रूट 98वें, 99वें और 100वें टेस्ट मैच में लगातार शतक जड़ने वाले भी पहले बल्लेबाज बन गए हैं। प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द व्हाइट टाइगर को बाफ्टा पुरस्कार में किया गया शामिल। प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग फिल्म द व्हाइट टाइगर को बाफ्टा पुरस्कारों की दौड़ में शामिल किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ब्रिटिश एकेडमी ने साल 2021 के बाफ्टा पुरस्कार के लिए लंबी सूची जारी की है और प्रियंका चोपड़ा अभिनीत इस फिल्म को 7 श्रेणियों में नामांकन के लिए इस दौर में दर्ज किया है। आपको बता दें कि इस फिल्म के मुख्य अभिनेता आदर्श गौरव के साथ ही रिज अहमद फिल्म साउंड ऑफ मेटल के लिए, जबकि दिवंगत अभिनेता चैडविक बॉसमैन अपनी फिल्म मार रेनिज ब्लैक बॉटम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नामांकन की दौड़ में शामिल है। प्रियंका चोपड़ा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की दौड़ में है। इस सूची में मारिया बाकालोव, एलेन बर्स्टिन, ग्लेन क्लोज और ओलिविया कॉलमैन समेत अन्य अभिनेत्रियों के नाम भी शामिल है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है जयराम उपाध्याय, शबनम कुमारी, पुरुषोत्तम कुमार, ताराचंद कुमार, कुमार बाबू ऑफिशियल, निकेश सिंह, राजीव कुमार, गुनगुन कुमार, गजेंद्र सिंह, शिवम बाबू, रंजन कुमार, जयपाल कुमार, मुकेश कुमार, राहुल कुमार, विकी कुमार, शिक्षा सुरभि, साहिल राज। उसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार किसानों की तरफ से बुलाए गए चक्का जाम का असर आपके जिले में देखने को मिला या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।